वर्कशॉप फॉर कोचिज एंड प्लेयर्स नॉट फॉर रेफरीज. सो नेशनल कोच हैव टू एक्सप्लेन द रूल्स हु हैव ए बेसिक नॉलेज ऑफ द रूल्स फॉर ए गुड कोच. सो इफ यू कोच डजंट हैव ए नॉलेज देन हाउ यू टीच योर प्लेयर्स अबाउट द रूल एंड रेगुलेशन हाउ यू अवेयर देम. सो दैट्स व्हाई टुडे क्लास इज टेकन बाय द मिस्टर हेमराज नेशनल कोच. सो आई वेलकम मिस्टर हेमराज. सो नाउ यू कैन टेक ओवर. नमस्कार सबको, गुड मॉर्निंग. आज की हमारी जो सेशन रहेगा उसमें क्वाड इवेंट और डबल इवेंट के बारे में हमारी जानकारी रहेगी. सबका एक बार फिर से अभिनंदन और नमस्कार करता हूँ. वेलकम ऑल. लॉ ऑफ द गेम क्वाड इवेंट क्वाड स्पेक्ट्रम सेम हमारा रहेगा. उसमें लास्ट क्लास तो हमारी कल रही थी हमारी जो, उसमें सेम हमारी ग्रोसरी यही रहेगी. सेंट्रल लाइन और सर्विस लाइन, फ्री जोन, ए बोर्ड, पोस्ट रेगू, रेगू कैप्टन, टेकोंग, नेचुरल वेन्यू, लोगो, नॉमिनेट, रिजर्व प्लेयर्स, इंजरी, जो लास्ट सेशन हमारा हुआ था ये सब इसी में इंक्लूड था हमारा. ये हमारे 26 से फॉलो थ्रू तक था. ये फॉलो थ्रू का लास्ट हमने आपको ये आपको दिखाया भी था. कंटेंट हमारा सेम रहेगा. द कोर्ट, द कोर्ट डायमेंशन, द सेंट्रल लाइन, फ्री जोन, द पोस्ट, द नेट, द स्पेक्ट्रा बॉल, प्लेयर्स, the spectator of the players or quad event, quad team event and quad regu event, players attire, substitutions, the coin toss, position of players during service, the start of play and service, law of the game, quad spectacle. Well, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने देखा था टीम इवेंट और रेगु इवेंट के लिए जो हमारी कोर्ट की जो मार्किंग रहती है हमारी, इसमें डिफरेंट है हमारा. आप देख सकते हैं इसमें इसमें जो हमारी कोर्ट की मार्किंग रहेगी इस तरह से रहेगी. जो हमारी जो साइड लाइन है 13.40 मीटर एंड जो बेस लाइन है हमारी 6.10 मीटर, यानी कि सर्विस लाइन भी बोल सकते हैं इसको हम और बेस लाइन भी. इसकी जो चौड़ाई जो रहेगी 6.10 मीटर. कल भी मैंने जैसे आपको बताया था फ्री जोन रहेगा जो हमारा 3 मीटर, वो साइड लाइन और बेस लाइन वो दोनों तरफ रहेगा जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं. और जो बाउंड्री की जो हमारी लाइनिंग जो होती है, लाइनिंग की जो ब्रिथ हमारी रहेगी 0.04 मीटर. इस तरह से ये हमारी पूरी लाइनिंग जो रहेगी. और जो सेंटर लाइन जो है कोर्ट के जो बीच में रहती है उसकी जो ब्रीड रहेगी 0.2 मीटर. इसमें सर्विस सेंटर हमारा और क्वार्टर सेंटर जो हमारा नहीं रहता है. ये जो हमारा जो डायमेंशन है कोर्ट का क्वाड इवेंट के लिए आप देख सकते हैं इसमें. और सेम जो जैसे मैंने कल बताया था आपको, जो इसका जो टोटल जो लेंथ है जो पूरे कोर्ट की जो फ्री जोन को इंक्लूड करते हैं हम, तो 19.40 मीटर हो जाता है इसकी लंबाई और 12.10 मीटर इसकी चौड़ाई हो जाती है अगर हम इसको 3 मीटर जोन को हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं. अदरवाइज हमारे 13.40 मीटर और 6.10 मीटर ही रहेगा. कोर्ट डायमेंशन मैंने अभी आपको दिखाया था.
करेक्ट द कोर्ट डायमेंशन 13.4 मीटर बाई 6.1 अभी बताया था, इसमें जो इसमें सब इसमें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ऑल ऑब्स्ट्रक्चर्स अप टू द हाइट ऑफ 8 मीटर मेजर, यानी कि किसी भी कोई भी वाद्य है जो फ्लोर से लेके और ऊपर तक 8 मीटर के अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए. द बोर्डिंग लाइन कंसिस्ट ऑफ द बोथ बेसलाइन एंड साइड एंड द विड्थ ऑफ द लाइन, वो बोर्डिंग शुड नॉट बी मोर देन 0.04 मीटर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया. एंड drawn inwards from the edge of the court measurements. The center line, जैसे मैंने आपको बताया था, the center line of इसमें थोड़ा गलत हो गया, इसमें 0.4 meter होता है, but इसको it should be थोड़ा correction है, इसमें थोड़ा सा okay. Shall be drawn at the center of the court, equally marking the right side and the left side of the court. Free zone आपको मैंने बताया था, वो जो 3 meter के लिए रहता है. द पोस्ट आपको कल भी हमने बताया था, कल की जो क्लास रही थी हमारी, पोस्ट जो सेम ही रहेगा हमारा, द पोस्ट शैल बी 1.55 मीटर फॉर मेन एंड 1.45 मीटर फॉर वुमेन इन द हाइट फ्रॉम द फ्लोर एंड द मस्ट एंड फर्मली द मेंशन हाई नेट टेंशन. जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जो हमारा जो पोस्ट है वो मेंस के लिए 1.55 एंड वुमेन्स के लिए 1.45 मीटर, ये आप देख सकते हैं इस तरह से पोस्ट है मैच के दौरान. और ये इसका एक फॉर्मेशन हमने बना के दिखाया आपको, ये मेन के लिए और ये वुमेन के लिए रहेगा. और इसका जो टेपेड है, जो आप देख सकते हैं जो टेपेड है दोनों साइड, ये आपका 0.05 मीटर उसमें रहेगा. पोजीशन ऑफ द पोस्ट, पोजीशन ऑफ द पोस्ट, जो पोस्ट जो है जिसे आप देख सकते हैं पोस्ट, ये जो सेंटर लाइन से हमारी जो है 0.3 मीटर अवे, यानी कि 12 इंच, यानी कि ये 30 सेंटीमीटर तक ये पीछे रहेगा, यानी कि एक फीट के लिए हमारा ये पीछे रहेगा, ये आप देख सकते हैं. द नेट शैल बी मेड ऑफ फाइन नायलॉन कॉर्ड विद द मेश ऑफ 6 to 8 सेंटीमीटर, जो इसके इसके जो मेश होते हैं, इसके जो जाल के जो चौड़ाई और इसकी जो लंबाई होती है 6 to 8 सेंटीमीटर रहता है, यानी कि 0.06 मीटर टू 0.08 मीटर. द नेट इज अ ब्रीथ 0.7 मीटर, इसकी जो ब्रीथ होती नेट की इस तरह से जो है, इसमें भी आप देख सकते हैं इस तरह से ये इसकी ब्रीथ है 0.7 मीटर होती है. एंड मस्ट नॉट बी शॉर्टर देन नेट, जो है 6.1 मीटर से उसकी लेंथ छोटी नहीं होनी चाहिए. आपको मैंने भी बताया था कि बैंड इसका जो नेट का है वो आप देख सकते हैं, ये भी पार्ट ऑफ हिस्सा है आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहा. द नेट शैल बी एज्ड विद द 0.05 मीटर वाइड टैप डबल्ड एट द टॉप और टॉप एंड बॉटम, नेट के ऊपर नीचे इस तरह से रहता है. इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय द फाइन केबल दैट रन थ्रू द टेप स्ट्रैंड्स ओवर द फ्लेचर्स एंड द टॉप ऑफ द पोस्ट. जो द हाइट ऑफ द नेट इन द सेंटर ऑफ द कोर्ट शैल बी 1.52, जो हमारे जो सेंटर रहता है 1.52 सेंटर से जो टॉप तक होता है, तो 1.52 फॉर द मेन एंड 1.42 मीटर आप देख सकते हैं फॉर वुमेन, जो आपका जो रहेगा. और जो कि पोस्ट उसका जो पोस्ट है 1.55 और एट द पोस्ट फॉर वुमेन 1.45 मीटर आप इसमें देख सकते हैं, इस तरह यहाँ से सेंटर होता है, सेंटर से इस तरह से. सेपक टकरा पोल आप सभी जानते हैं, लास्ट सेशन में भी हमने बताया था आपको कि सेपक टकरा पोल जो है, द शेप सेपक टकरा पोल शैल बी सेपरेटेड इन शेप शेप एंड मेड बाय सिंथेटिक फाइबर विद वन वोवन लेयर. सेपक टकरा पोल विदाउट सिंथेटिक रबर कवरिंग शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग लाइक दिस, आपने लास्ट भी देखा था, इसके 12 होल्स एंड 20 इंटरसेक्शंस, 12 होल्स एंड 20 इंटरसेक्शंस हैव अ सर्कमफेरेंस मेजरिंग फ्रॉम इसका जो सर उसका जो सर्कमफेरेंस यानी गोलार्ध जो हिंदी में हम बोलेंगे फॉर मेन ये रहेगा हमारा 0.412 0.43 मीटर फॉर मेन एंड 0.42 एंड 0.44 फॉर वुमेन. और वेट आपको मैंने कल भी बताया था, इसका वेट जो है 170 और 180 ग्राम रहेगा फॉर मेन एंड 150 to 160 ग्राम फॉर
वुमेन। और द सेपक टकराल सिंगल कलर, जो भी मैंने आपको बताया कि कलर सिंगल भी हो सकता है, मल्टी कलर भी हो सकता है, लेकिन वो प्लेयर को किसी भी तरह की उसको इनहिबिट, उसको कोई नुकसान ना हो उसको, इस तरह से। बाकी आप इसमें देख सकते हैं कि सबके जो स्टाफ से हमारे अप्रूव बॉल है वही इसमें ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन सी गेम्स, साउथ एशियन गेम्स, जो कि स्टाफ से अप्रूव होती है, यानी कि स्टाफ यानी कि इंटरनेशनल सबक टकराव फेडरेशन। प्लेयर, ए मैच इज प्लेड, a match is played by two groups referred as a regu or regus, each consisting of four players. Quad event के अंदर हमारे regu जो होता है उसमें playing time में एक समय में चार खिलाड़ी रहते हैं, and one of the four players serving shall be positioned behind the baseline of the court and is called a tekong, the server. आप इस picture में देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं इसमें, आप देख सकते हैं इसमें चार खिलाड़ी होते हैं, इस स्पोर्ट में भी चार खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, और इस स्पोर्ट में भी जो कैड इवेंट है उसमें चार खिलाड़ी खेलते हैं। जो सर्वर जो टेकोंग होता है वो बेस लाइन पे होता है, जैसा कि इसमें आपने दिखाया भी प्लेयर्स को, वन ऑफ द फोर प्लेयर सर्विंग शैल बी पोजिशन बिहाइंड द बेस लाइन ऑफ द कोर्ट एंड इज कॉल्ड ए टेकोंग और सर्वर। आप देख सकते हैं सर्विस बेस लाइन के बाहर से करते हुए, और इनकी पोजिशन खिलाड़ियों की यहाँ पे, and any one of the four players can execute the serve. उसमें से कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोई सर्विस या टेकोंग कर सकता है, चारों प्लेयर्स में से कोई भी सर्विस कर सकता है, वो टेकोंग कहलाएगा। The other three players shall be their respective court. जो अदर तीन खिलाड़ी हैं जो टेकोंग के अलावा होंगे अपने कोर्ट में वो खड़े रह सकते हैं। क्वैड टीम इवेंट, हमारा जो पहले हमने प्लेयर्स का बताया था, क्वैड टीम इवेंट, इसमें दो इवेंट रहते हैं हमारे, क्वैड रेगु इवेंट और क्वैड टीम इवेंट। तो पहले हम बात करेंगे क्वैड टीम इवेंट की। ईच टीम रेफर्ड टू एज टीम शैल कंप्राइज टू रेगुस एंड शैल कंसिस्ट इन मिनिमम ऑफ 8 प्लेयर्स एंड मैक्सिमम 12 प्लेयर्स। क्वैड टीम इवेंट के अंदर कम से कम 8 खिलाड़ी और मैक्सिमम जो है 12 खिलाड़ी, यानी कि 12 खिलाड़ी से ज्यादा नहीं और 8 खिलाड़ी से कम नहीं होनी चाहिए। ईच प्लेयर शैल बी रजिस्टर्ड इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन द एनी कंपटीशन। वो अपना उसका रजिस्ट्रेशन, कोई भी टूर्नामेंट चैंपियनशिप होती है, टूर्नामेंट होता है, तो उसको रजिस्टर करना जरूरत है। ए मैक्सिमम ऑफ 4 प्लेयर्स शैल बी रजिस्टर्ड एज ए पार्ट ऑफ द टीम एज ए रिजर्व पूल। प्लेयर्स इन रिजर्व पूल में भी filed only as a substitute. जो हमारे खिलाड़ी चार रहेंगे वो रिजर्व रहेंगे। Yes. Each player shall be permitted to play for only one regu in any team match except the third regu. जो भी खिलाड़ी रहेंगे हमारे जो permitted किए जाएंगे regu के अंदर team match में, जो रहेगा हमारा चार चार खिलाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है, और थर्ड रिकू के अंदर अभी तो बाद में आएगा उसमें थोड़ा बताएंगे हम, एक्सेप्ट द थर्ड रिकू। प्रियोर द स्टार्ट ऑफ द गेम ईच टीम मस्ट हैव ए मिनिमम 8 रजिस्टर्ड प्लेयर प्रेजेंट ऑन द प्लेइंग कोर्ट, यानी कि कम से कम आपके 8 खिलाड़ी रजिस्टर्ड होने बहुत जरूरी है। मैक्सिमम जैसे मैंने पहले बताया था 12 खिलाड़ी, और आपके 8 खिलाड़ी रजिस्टर्ड प्लेयर्स प्रेजेंट ऑन द प्लेइंग कोर्ट के अंदर होने चाहिए। Any team with less than 8 players shall not be permitted to play the game and shall be disqualified. यानी कि 8 खिलाड़ी से अगर आपके प्लेयर कम होते हैं तो आप क्वैड टीम रेगु में डिस्क्वालिफाइड कर दिए जाएंगे, ये आप समझ सकते हैं। For the composition of the third regu, the team will choose any 6 player, 4 players plus 2 reserve players and from any of their registered 12 players. एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि जो थर्ड रेगू होता है, मान लो कि सपोज टू बी आपका मैच चल रहा है, एक रेगू एक टीम जीतती है, एक रेगू एक टीम जीतती है, यानी कि दोनों टीम एक एक रेगू जीत के वन रेगू इक्वल हो जाता है, तो थर्ड रेगू शुरू करने के लिए आप फ्री हैं, आप दोबारा से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आप उन 12 प्लेयर में से कोई भी आप 6 खिलाड़ी को रजिस्टर कर सकते हैं, कोई भी आपके बेस्ट 6 खिलाड़ी
भी आप खिला सकते हैं। चार आपके ब्लैंक उसमें रहेंगे और दो आपके रिजर्व रहेंगे। मैं एक बार अभी अपने सभी कोचेस और अपकमिंग जो खिलाड़ी और अपकमिंग कोचेस हैं उनको बता देना चाहता हूं मैं कि जो थर्ड रेगु अगर खेला जाएगा, तो अगर एक एक टीम अगर हमारी सेट बराबर रहता है किसी टीम का, तो थर्ड रेगु हमारा जो है उसमें आप अपने कोई भी अपने 12 खिलाड़ी में से बेस्ट आप अपने 6 खिलाड़ी चुन सकते हैं और चार प्लेइंग में रहेंगे और आपके दो रिजर्व में रहेंगे। इसी तरह से हमारा आता है नेक्स्ट हमारा रेगु क्वाड रेगु इवेंट। ईच रेगु शैल कंसिस्ट ए मिनिमम ऑफ 4 प्लेयर्स एंड ए मैक्सिमम 6 प्लेयर। वन रेगु फॉर 4 प्लेयर्स प्लस 2 रिजर्व, यानी कि एक रेगु में आपके 4 खिलाड़ी रहेंगे और दो रिजर्व खिलाड़ी रहेंगे। प्योर ऑफ द स्टार्ट ऑफ द गेम ईच रेगु मस्ट हैव एटलीस्ट 4 प्लेयर्स प्रेजेंट द प्लेइंग कोर्ट, यानी कि सेम आपके जो 6 खिलाड़ी में से अगर नहीं है तो 4 खिलाड़ी कम से कम आपके कोर्ट पे रहने बहुत जरूरी है। एनी रेगु विद लेस देन 4 प्लेयर्स शैल नॉट बी परमिटेड टू प्ले द गेम एंड शैल बी डिस्क्वालीफाइड। अगर आपके 4 खिलाड़ी से कम रहते हैं तो वो टीम को डिस्क्वालीफाइड कर देते हैं। प्लेयर्स अटायर्स, लास्ट भी मैंने आपको लास्ट सेशन में ही बताया था कि प्लेयर्स का जो अटायर्स है, ऑल अफेयर्स यूज्ड बाय प्लेयर्स शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ द गेम। एनी इक्विपमेंट दैट डिजाइन और टू इंक्रीज द रिड्यूस द स्पीड ऑफ द बॉल, इंक्रीज द प्लेयर्स द हाइट मूवमेंट और एनी अदर वे गिव एन अनफेयर एडवांटेज और डेंजरस हिमसेल्फ टू अदर प्लेयर्स शैल नॉट बी परमिटेड। यानी कि कोई भी ऐसा कोई इक्विपमेंट या आपकी प्लेयर सेट है जैसी नहीं है, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो आपके अपोनेंट खिलाड़ी को डेंजरस हो। और बाकी अभी पूरा स्क्रीन पे आप देख ही पा रहे हैं आपका जो है नेचुरल वेन्यू and the team listed first to match program shall make the changes. Last session we have told that all jerseys shall be numbered on both of the front and back. A player shall be assigned only one number from 1 to 36 throughout a tournament. आप जो भी खिलाड़ी होगा वो अपनी जर्सी का नंबर 1 या 1 से 36 तक कर सकता है, और एक बार जो आपका नंबर रजिस्टर्ड हो गया वो पूरे टूर्नामेंट के अंदर वही नंबर आपका रजिस्टर्ड रहेगा। आप उस नंबर के अलावा दूसरा नंबर चेंज नहीं कर सकते। द नंबर शैल बी लेस देन 19 सेंटीमीटर और जो बैक साइड में जो नंबर रहेगा वो 19 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, और जो फ्रंट में रहेगा आपका नॉट लेस देन 10 सेंटीमीटर इन द हाइट ऑफ फ्रंट विद इन द चेस्ट एरिया। आपके चेस्ट एरिया में जो नंबर रहेगा फ्रंट में रहेगा या साइड में रहेगा वो आपका 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। द नेम ऑफ प्लेयर ऑफ कंट्री जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंट्री को या अपनी स्टेट को या अपनी यूनिट को, तो आपका जो प्लेयर का कंट्री का नाम या आपके जो स्टेट या जो भी आप नाम होगा वो नंबर के ऊपर लिखा जाएगा। राइट, एंड जर्सी में कैरी आपको बताया स्पॉन्सर्ड लोगो को सब्जेक्ट टू टूर्नामेंट रूल्स रेगुलेशन। टूर्नामेंट्स के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से ही आपका स्पॉन्सर्ड लोगो जारी किया जाएगा। एंड कैप्टन जो होगा आर्म बैंड बांधेगा, आपको पहले भी मैंने बताया था, हम इसको हम कंस्टिट्यूशन में भी आगे बढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन, प्लेयर आर नॉट अलाउड टू प्ले इन मोर देन वन रेगु इन एनी टीम इवन एक्सेप्ट फॉर द थर्ड रेगु ओनली। मतलब कि आप खिलाड़ी को एक रेगु के बाद दूसरे रेगु में आप चेंज नहीं कर सकते, और इसमें थर्ड रेगु को हम छोड़ देते हैं, एक्सेप्ट थर्ड रेगु। थर्ड रेगु क्योंकि अभी मैंने आपको पहले बताया था कि थर्ड रेगु में आपको बेस्ट 6 खिलाड़ी चुनने होते हैं, उसमें ऑटोमेटिक 4 प्लेइंग और 2 रिजर्व आप बना सकते हैं। एंड Substitution of shall be permitted any time of showing the substitute card. आपको कार्ड दिखाना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट करने के लिए, जब रेफरी को बताना पड़ेगा और जब आपका खेल बॉल जो प्ले में नहीं रहेगी। इन ईच रेगु
टू सब्स्टिट्यूशन मे बी परमिटेड इन ईच सेट, प्रत्येक सेट में एक हर एक रेगु में दो मतलब सब्स्टिट्यूशन ही परमिटेड हो सकते हैं. द प्लेयर हु हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड अर्लियर शैल बी अलाउड टू री एंटर द सेम सेट. वन और टू सब्स्टिट्यूशन मे बी मेड बाय द सेम टाइम फॉर बोथ टीम एंड रेगु इवेंट कॉम्पिटिशन. ये रेगु इवेंट और टीम जो हमारा रेगु टीम क्वाड रहेगा उसमें वो चेंज कर सकते हैं. For regu event and regu may be nominated maximum two reserve player, addition of the four players. And for team events, each team may nominate maximum four reserve players in a match. Team event में चार reserve खिलाड़ी रह सकते हैं. And each team may be permitted to file the maximum of two of the four reserve player in regu. In team permitted fielded filed in maximum of two. Of the reserve players. देख सकते हैं आप टीम के अंदर permitted only दो खिलाड़ी ही reserve आप रख सकते हैं regu में और team event में चार खिलाड़ी reserve रख सकते हैं. A reserve player in the regu shall play in the particular regu only. Reserve player आपका एक particular regu में ही खेलना चाहिए. The remaining reserve player may be fielded in the next regu. रिजर्व खिलाड़ी जो नहीं फर्स्ट में खेल पाता है वो नेक्स्ट में खेल सकता है. टीम शैल नॉट बी अलाउड टू मेक एनी सब्स्टिट्यूशन इफ दे हैव ऑलरेडी फाइल्डेड ऑल देयर टू रिजर्व प्लेयर. नेक्स्ट रेगु में अगर अपने दोनों अपन चुन लिए हैं तो वो खिलाड़ी उसमें नहीं खेल सकते. इफ ए रेगु स्टार्ट द नेक्स्ट सेट विद डिफरेंट प्लेयर फ्रॉम दोज who finished a previous set, each change is considered as a substitution. जो भी next set हमारा start होगा, different player from those who finished the previous set, जो उसने करा होगा, वो change considered किया जा सकता है substitution के अंदर. In an event of any injury, the injured player may be substituted provide that two substitution have not been utilized yet. यानी कि अगर कोई खिलाड़ी खेलते वक्त इंजर्ड हो जाता है और वो खिलाड़ी खेलने में असमर्थ है, आगे अपना खेल पूरा नहीं कर सकता, अगर टीम ने दोनों खिलाड़ी को अगर सब्स्टिट्यूट कर रखा है तो आप उसको खिलाड़ी को चेंज नहीं कर सकते, और अगर दो खिलाड़ी नहीं लिए हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं. राइट. एंड इफ द टू सब्स्टिट्यूशन हैव ऑलरेडी मेड फील्डेड एंड द इंजर्ड प्लेयर इज रेंडर्ड unfit to continue play, the game will end and the regu shall be considered having lost in the set. अगर वो अभी मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो regu हारा हुआ माना जाएगा. Any regu having less than four players shall not be allowed. किसी भी regu में अगर चार खिलाड़ी से कम होते हैं तो वो allowed नहीं किया जाएगा तो continue game and उसको set को हारा हुआ माना जाएगा. And any regu in team event having less than four players shall not be allowed continue the game, shall be considered having lost. अभी जैसा बताया मैंने. And same अभी इसमें आएंगे हम. If a player is shown a red card and is sent off from the game, the regu is allowed to make substitution. ये भी आपको मैंने last उसमें भी बताया सबको. ये सभी clear है. Toss का भी मैंने आपको बताया था कि toss किस तरह से किया जाएगा. ये भी last हमने इसमें आप screen पे देख भी सकते हैं आप. Position of the players. इसमें आएंगे हम अभी position of the players. At the start of the play, the players of both regus must be their respective court in ready position. आपको playing position में खेल में होना चाहिए जब भी आपका match start होगा. जैसे कि आप pitch में भी देख सकते हैं कि खिलाड़ी इस तरह से अपने playing position में आपको दिखाई दे रहे हैं. The server, the serving the ball must have both feet behind the baseline. जो टेकोंग जो सर्वर होगा हमारा अपना क्वाड टीम इवेंट या फिर क्वाड रेगु इवेंट के अंदर सर्वर जो रहेगा हमारा यहाँ देखिए आप देख सकते हैं पिक्चर में बेसलाइन जो बेसलाइन के पीछे ही रहेगा वो और सर्विस करते हुए जब सर्विस करेगा तो वो बेसलाइन के पीछे रहेगा. लेकिन एक बात का ध्यान रहे सर्विस वो सिर्फ बेसलाइन के पीछे से ही कर सकता है, बेसलाइन के यहाँ से या फॉलो थ्रू या नहीं कर सकता, अपने बेसलाइन के पीछे ही रहेगा सर्विस बिहाइंड द बेसलाइन.
जैसा कि आपको इसमें लिखा भी कि सर्व कैन बी एग्जीक्यूटेड एनीवेयर बिहाइंड द बेसलाइन, ओनली बिहाइंड द बेसलाइन। द सर्वर विल नॉट बी द थ्रोअर फॉर द सर्विस विदाउट हैविंग द सर्वर्स फीट टचिंग द बेसलाइन, बोथ सर्वर्स फुट मस्ट बी बिहाइंड। ये एक आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पे, सभी कोचेस और अपने जो अपकमिंग कोचेस हैं या फिर जो प्लेयर्स हैं वो थोड़ा ध्यान रखें। जो ये मैंने अभी आपको दिखाया था, ये 9.4, इसमें क्या है कि आपका जो तो थ्रोअर सर्विस रहेगा, जब भी सर्विस करेगा, एग्जीक्यूट करेगा सर्विस, सर्विस करने के बाद जो ये आपका एक को किकिंग फुट हो गया, ये भी बेसलाइन के बाहर, और सर्विस करने के बाद उसका अगर पैर फॉलो थ्रू में कोर्ट के अंदर जाता है, या सर्विस करने के बाद सीधा उसका जो किकिंग फुट कोर्ट के अंदर अगर गिरता है तो वो फाउल दिया जाएगा। उसका जो सर्विस करने के बाद पैर जो है बेस लाइन के पीछे ही रहना चाहिए, यानी कि सर्विस करने के बाद पैर जो उसका फर्स्ट पैर जो टच कोर्ट पे टच होगा वो बेस लाइन के पीछे ही रहना चाहिए। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि सर्विस करने के बाद पैर इसमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको कर्सर के द्वारा मैं आपको बता सकता हूँ, जो पैर अगर इसका यहाँ पे गया बेस लाइन में, अगर लाइन टच करता है तब भी फाउल होगा, या लाइन क्रॉस करता है तब भी फाउल होगा, और अगर इसका पैर बेस लाइन के पीछे रहता है तो राइट सर्विस काउंट की जाएगी, राइट। एंड द नॉन सर्विंग प्लेयर्स इन द कोर्ट शैल बी विद इन देयर साइड ऑफ द साइड ऑफ द कोर्ट एंड देयर फीट मस्ट रिमेन स्टेशनरी व्हाइल दे सर्व इज द बीइंग मेड। जो आपका जो नॉन सर्विंग प्लेयर, जो कोर्ट के अंदर नॉन सर्विंग प्लेयर है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो अपने कोर्ट में कहीं भी खड़े हो सकते हैं, या तो उनका मुंह अपने टेकऑन की तरफ भी कर सकते हैं, और या अपना मुंह जो सर्विंग प्लेयर है अपोनेंट टीम के कोर्ट की तरफ भी कर सकते हैं, ये जब आपको सर्विस की जाएगी। टू prevent any deliberate attempts to obscure or impede the receiving side view of the server, players are not permitted to raise their arms above shoulder height or to make deliberately destruction movement until the serve has been delivered। इसमें एक चीज और है, जब सर्विस आप सर्वर करेगा तो जो सर्विस साइड वाला जो प्लेयर है, जो नॉन सर्विस प्लेयर है, वो एक बार पॉइंट बोलने के बाद एक पोजीशन पे खड़े हो जाएंगे, उसके बाद वो अपने हाथ को इस तरह से हिला नहीं सकते और इधर उधर घूम नहीं सकते, एक कोच पोजीशन में रहेंगे जब तक कि सर्विस कर नहीं दी जाती, जब तक सर्विस टैकों के पैर पे टच होकर नहीं जा सकती। द अपोनेंट और रिसीविंग रेगो इज फ्री टू एनीवेयर इनसाइड देयर कोर्ट। जो अपोनेंट रिसीवर है वो अपने कोर्ट में कहीं भी फ्री खड़े हो सकते हैं। द स्टार्ट ऑफ प्ले एंड सर्विस, ईच मैच मस्ट बी ऑफिशिएटेड बाय द रेफरी स्टेशन्ड एट द वन एंड ऑफ द और नेट एंड असिस्टेंट रेफरी स्टेशन्ड द अपोजिट द रेफरी, a court referee stationed behind the referee, one line referee and right of the referees ki positions isme batayi gayi hai, jo referee kahan kahan khade rahenge, the referee is supported or held by the official referee and the regu which service first shall serve their consecutive time by any player followed by the opposing regu which shall also serve three consecutive serve। ek cheez aur aati hai isme, jis tarah se regu event aur टीम इवेंट के अंदर तीन सर्विस होती हैं, एक सर्विस कंटिन्यूस होती है, इसमें भी जो सर्वर है वो तीनों सर्विस कर सकता है एक साथ कंटिन्यूस क्वाड इवेंट पे भी। जैसे इसमें अभी दिखा होगा आपने, मैंने दिखाया स्क्रीन पे, द रेगु विच सर्व फर्स्ट शैल सर्व थ्री कंसेक्यूटिव सर्विस टाइम बाय एनी प्लेयर्स, इसमें ये नहीं कि टैकोंग या कोई होगा, इसमें तीनों सर्विस एक खिलाड़ी कर सकता है, राइट। सर्विस शैल अल्टरनेट देयर आफ्टर एवरी थ्री पॉइंट रिगार्डलेस ऑफ द विच साइड विन द पॉइंट।
थ्री पॉइंट के बाद सर्विस चेंज होगी, जैसा कि पहले भी बताया था कि हर तीन सर्विस के बाद आपकी सर्विस चेंज होगी। द मोशन ऑफ रोलिंग बोन इज काउंटेड एज वन काउंट व्हेन द बॉल टचेस एनी पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम बिलो द नेक एंड ऑल ऑफ द हेड। जैसे कि मैंने लास्ट उसमें आपको ही बताया था कि जो रोलिंग है वो चिन से नीचे नीचे रहेगा आपका, वो एक ही काउंट किया जाएगा जब आपकी फर्स्ट सर्विस होगी। एट ड्यूस व्हेन बोथ साइड्स रीच 20-20 ऑल द सर्विस शैल अल्टरनेट एवरी पॉइंट। जब पॉइंट हमारे 20-20 हो जाएंगे तो आपकी जो है ड्यूस हो जाएगा, यानी कि टू पॉइंट डिफरेंस आपका होना चाहिए। और द रेगू रिसीविंग द फर्स्ट सर्विस इन द प्रीवियस सेट शैल सर फर्स्ट, जो कि सेट अगर खत्म होता है तो नेक्स्ट सेट में जो पहले सर्विस करेगा उसके बाद वो ओपोनेंट टेन दूसरा सर्विस करेगा। प्लेयर शैल चेंज साइड्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ईच सेट, मैच खत्म होने का खत्म होगा। और ड्यूरिंग द थर्ड सेट, अगर थर्ड सेट अगर हमारा जाता है तो जो टीम जो रेगू पहले 11 पॉइंट बनाएगा वो कोर्ट चेंज किया जाएगा थर्ड सेट में। ये सेम है हमारा ऐसे ही टीम इवेंट और रेगू जैसा। Once the referee calls point, name of the team, the server of the serving team has 15 second. ये मैंने ये rule हम आपको पहले भी बताया था कि जब referee point को count कर देगा या referee point match start कर देगा play कर देगा point को तो 15 second के अंदर आपको service करना ही पड़ेगा। ये सभी coaches अपने players को बता सकते हैं। And next service with his foot behind the baseline. In the action is delayed, a warning shall be given. Repetition of the set shall be considered a fault. यानी कि अगर ऐसा खिलाड़ी करता है एक बार तो उसको वार्निंग दी जाएगी। अगर वो 15 सेकंड में सर्विस नहीं करता है तो अगर इसी चीज को वो दोबारा रिपीट करता है तो एज ए कंसिडर उसको फाउल किया जाएगा, फाउल माना जाएगा। और जैसा कि पहले ही बताया था कि आपको जो 15 सेकंड का है बता दिया आपको, जो थ्रो बाय द टेकोंग फॉर द सर्वर मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एज सून एज द रेफरी कॉल द स्कोर। इफ थ्रो इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द रेफरी कॉल्स ए स्कोर इट शैल बी रीथ्रोन। एंड जैसे अंपायर के बोलने से पहले अगर खिलाड़ी सर्विस कर देता है तो उसको रीथ्रो करा जाएगा और वार्निंग दी जाएगी। अगर ऐसा रिपीट करता है तो वो भी उसको फाउल किया जाएगा। ड्यूरिंग द सर्विस एज सून एज द सर्विस किक द बॉल ऑल द प्लेयर्स शैल बी अलाउड टू मूव अबाउट फ्रीली। जैसे ही उसके पैर पे बॉल टच होता है तो ऑल खिलाड़ी आप फ्री हैं अपने कोर्ट पे, कहीं भी आप एक्शन ले सकते हैं। अभी सेम है हमारा, द सर्विस वैलिड इफ द बॉल पासिस ओवर द नेट वेदर द टच इज अ नेट और नॉट। नेट पे लगने के बाद भी क्रॉस होता है या नहीं भी होता, क्रॉस होना चाहिए इनसाइड द बाउंड्री ऑफ द टू नेट्स टैप्स एंड द बाउंड्री लाइंस ऑफ द अपोनेंट कोर्ट। अपोनेंट कोर्ट के अंदर अगर बाउंड्री के अंदर गिरता है तो वो राइट होगा और बाउंड्री से बाहर जाता है तो फाउल होगा, यानी कि इन और आउट। इन ए नॉकआउट सिस्टम टीम इवेंट एंड डज नॉट हैव टू प्ले इन थर्ड रेगू इफ विनर हैज बीन डिसाइडेड। अगर विजेता अगर बन जाता है लगातार दो सेट जीत के नॉकआउट सिस्टम में तो थर्ड रेगू की जरूरत नहीं होती है। In league system, team event or जो भी है हमारा is mandatory to team is play third rego. Third rego खेलना बहुत mandate है, मतलब उसमें अगर league system के अंदर fault, a fault is deemed to have occurred the event of falling. जो falling of fault इसमें दिखाए गए हैं during the serving side during service, the tackong making service throw play about with the ball. Throwing up the ball, bumping, giving to other inside player after the call of the score has been made by the referee. इसमें क्या है कि जो टैकोंग जब सर्विस के लिए तैयार होता है, अगर रेफरी एक बार कॉलिंग कर देता है अंपायर की मैच स्टार्ट का कॉल करता है, कॉल करने के बाद अगर खिलाड़ी बॉल को बम्प करता है या अपने खिलाड़ी को पास करता है या अननेसेसरी उसको लेट करता है तो वो फाउल काउंट किया जाएगा। द नॉन सर्विंग प्लेयर ऑफ द सर्विंग regu move away from his adopted position when the service is being made, yani ki agar service karta hai non serving khiladi jo khade hain
अगर वो मूव करते हैं, जैसे अभी पहले मैंने पिक्चर में भी दिखाया था, अगर वो खिलाड़ी हिलते हैं या मूव करते हैं वो भी अलाउड नहीं है, वो फाउल होता है। The Tekong still not is ready position after वही 15 सेकंड अभी है दोबारा आगे, फिर मैंने आपको पहले भी बताया था during the execution of the Tekong non kicking put, इसमें है कि देखिए इसमें during the execution of the service the Tekong is Tekong's non kicking foot is lifted off the floor prior the kicking foot's contact with the ball or non kicking foot touches the baseline। अभी मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था कि अगर खिलाड़ी का पैर ऊपर उठता है और या फिर बेसलाइन पे टच करता है या बेसलाइन को क्रॉस करता है सर्विस के बाद, तो वो फाउल काउंट किया जाएगा। इसी तरह की आप देख पा रहे हैं एनी ऑफ द टेकोंग इज फुट अंडर द कोर्ट और टचेस, इसमें लिखा है इसमें बेसलाइन व्हाइल द सर्विस बीइंग मेड, मैं आपको इसमें दिखा सकता हूँ आप कर्सर से देख के पढ़ भी सकते हैं। और इसमें एक 11.1 है, इसमें टेकोंग डज नॉट किक द बॉल ऑन द सर्विस थ्रो द बॉल टचेस हिज ऑन प्लेयर बिफोर क्रॉसिंग, यानी कि अगर क्रॉस करने से पहले उनके प्लेयर को टच होती है भी फाउल होगा। द बॉल ओवरगोज द आउटसाइड ऑफ द कोर्ट द फॉल्स इज क्रॉस द नेट, ये सेम है ये हमारा द प्लेयर यूज द हिज हैंड और हैंड्स, जो प्लेयर उसको हाथ लगाता है रास्ते में एंड एनी द पार्ट ऑफ हिज आर्म टू सपोर्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द किक इवन इफ द hand or arm does not directly touch the ball but it touches other object of the surface instead of this during receiving deliberately creating distraction by the shouting yani ki chillana making noise shor machana deliberately janbujh ke or gesturing the opponent after the referee calls the score jaise ki referee score call kar deta hai to jo opponent team hai service ke jo opponent team hai haath hilana bolna chillana अपने भद्दे तरीके से इशारे करना ये सब फाउल होता है। इसमें फॉर बोथ साइड ड्यूरिंग द गेम टचिंग द बॉल ऑन द अपोनेंट साइड नेट के ऊपर अगर हम टच करते हैं दोनों साइड से है एनी पार्ट ऑफ द प्लेयर बॉडी क्रॉसिंग ओवर द इनटू अपोनेंट्स कोर्ट वेदर अबव और अंडर द नेट एक्सेप्ट ड्यूरिंग द फॉलो थ्रू का मैंने आपको बताया था कल या स्टार्टिंग में भी बताया था मैंने। Playing the ball more than three times, the ball touches the player arm, stopping or holding the ball under the arm or between the leg or पैरों के ये अंदर बंद होना या हाथ के अंदर रुकना ये भी बॉल है। Any part of the body player, outfit that is shoes, jersey, handband, etc. that touches the net or post or the referee's chair. यानी कि post पे या referee chair पे आपकी जो attires है, जो भी आपका attires या आपका हाथ touch होता है या मान लो suppose तो भी आपने हेयर बैंड पहना हुआ और हेयर बैंड आपका खुल के आपके रेफरी चेयर पे लग जाता है या नेट पे लग जाता है या पोस्ट पे लग जाता है खेलते हुए किसी ने, तो वो भी फाउल काउंट होता है। स्कोरिंग सिस्टम सेम रहेगा हमारा, अभी आपको पहले भी बताया था मैंने 20-20 ऑल और 20 अगर 20-20 और होता है तो 2 point डिफरेंस और मैच सेट अप टू 25 ईच मैच शैल बी डिटरमाइंड बेसिक बेस्ट 3 सेट से इन द फॉर्मेट रहेगा और हर सेट के बाद 2 मिनट का ब्रेक रहता है हमारा। टाइम आउट ईच रेगु शैल बी एंटाइटल्ड 1 time out फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1 minute ऑफ ईच सेट, यानी कि आप हर एक सेट में एक ही टाइम आउट ले सकते हैं और चार आप बेस लाइन पे रहेंगे और आपके कोच या मैनेजर 2 अलाउड हो सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम आउट प्लेयर के अलावा। टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ प्ले लास्ट आपको बताया था मैंने आपको, ये आपको बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये टीम इवेंट और रेगु इवेंट दोनों उसके लिए जो रखा वही सेम ऐसे ही रहेगा, आप इसमें पढ़ सकते हैं। इंजर्ड प्लेयर का मैंने आपको बताया था अभी एनी इवेंट ऑफ डिस्टरबेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूट ओनली द रेफरी मे सस्पेंड द मैच आफ्टर कंसल्टिंग द टूर्नामेंट कमिटी। Following match suspension, all players shall not be allowed to leave court except with the express permission of the official referee. जब तक कि referee permission नहीं देता, खिलाड़ी को court छोड़ने की आज्ञा नहीं होगी। आप देख सकते हैं इसमें referee need to stop play temporarily due to some interference during play, अगर कुछ होता है तो referee stop कर सकते हैं।
डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के बारे में आपको मैंने कल भी बताया था और अभी बताया आपको, इसमें जो रहेंगे वो ओनली कैप्टन अलाउड अप्रोच कर सकता है, बार बार रिपीट हो रहा है, वो पहले भी आया था, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। पेनल्टीज जो मैंने आपको कल बताए थे वो सेम रहेगा हमारा, जो टूर्नामेंट की जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे टूर्नामेंट होते हैं या ये स्टाफ या स्टाफ जो हमारे हैं उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप इसमें आप देख सकते हैं। कोशनरी ऑफेंस जो भी आपके सेंडिंग ऑफेंस उसमें क्या क्या रहता है आपको कल मैंने विस्तार से बताया था, आप इसमें अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। येलो कार्ड, सेकेंड येलो कार्ड, थर्ड येलो कार्ड, इसका पूरा जो लॉ बताया था आपको मैंने, सेम रहेगा हमारा और सेम पॉइंट सेपरेटा का में भी हमारा ये रहेगा इस तरह से। मिसकंडक्ट ऑफ द टीम ऑफिशियल्स ये भी हमने आपको बताया था और जनरल आपको बताया था, और यहाँ हमारा भी क्वाड इवेंट, क्वाड रेगु और क्वाड टीम हमारा यहाँ पे समाप्त होता है और अभी हमारा शुरू होगा क्वाड और टीम इवेंट के लिए क्वाड और थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हमारा शुरू होगा लॉ। डबल इवेंट, लॉ ऑफ डबल, तो जैसा कि हम सभी जानते ही हैं अभी COVID-19 हमारा चल रहा है, सभी अपने अपने घर में हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि घर बैठे और ज्यादा से ज्यादा गुनगुना पानी आप पिए, तो एक 10 सेकंड के लिए आप भी गुनगुना का पानी पीजिए, मैं भी थोड़ा पानी पीता हूँ। थैंक यू। लॉ ऑफ द गेम डबल, अब हम डबल के ऊपर बात करेंगे, पहले हमारा क्वेड था अभी डबल इवेंट के ऊपर बात करेंगे। जो हमारी ग्रोसरी जो रहेगी वो सेम रहेगी हमारी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको, कंटिन्यूसली लगातार आ रहा है हमारा, सेम रहेगा हमारा ये भी सेम रहेगा, और जो कंटेंट रहेगा हमारा कोड डायमेंशन जो नेट है वो सब इसमें भी है हमारा, वो सभी सेम रहेगा। लॉ ऑफ द गेम सेपरेट टकरा डबल रेगु, डबल रेगु का हमारा जो है कोर्ट डायमेंशन जो हमारी इस प्रकार से है, कोर्ट हमारा जो डबल का वो भी सेम रहेगा हमारा, जो 13.40 मीटर जो हमारी साइड लाइन रहेगी, बेस लाइन जो हमारा 6.10 मीटर रहेगा, और जो ये जो बेस लाइन जो है वो सर्विस लाइन भी कही जाएगी डबल में, इसमें जो हमारी सेंट्रल लाइन रहेगी वो 0.2 मीटर रहेगी, और जो इसकी ब्रीथ है जो पहले भी बताया आपको 3 जोन 3 मीटर, ये कंटिन्यू जैसे सेम ऐसे ही हमारा डबल में भी रहेगा जो हमारा क्वाड में था, भी आपने देखा भी था, और 19.40 मीटर हमारा जो टोटल जो एरिया रहेगा 3 मीटर को मिला के ये सेम रहेगा हमारा, ये आपने अभी देखा था। अभी द कोर डायमेंशन, आपको कोर डायमेंशन बताया था मैं, सेम आपको अभी मैंने बड़ी पिक्स में दिखाया था, ये छोटी पिक्स में इसमें थोड़ा आप देख सकते हैं, सेम जो भी बताया आपको मैंने 13.40 मीटर स्क्रीन पे आ रहा है, और 8 मीटर वही सेम ऐसे रहेगा आपका जो फ्लोर से सरफेस तक, वही अभी आपको बताया उसमें मैंने सेम, और आपका लाइन भी वही रहेंगी आपकी, फ्री जोन भी आपका ये रहेगा, आपका ये फ्री जोन, बेस लाइन जो सर्विस लाइन भी कहेगी, सेंट्रल लाइन, ये हमारे पोस्ट रहेगा हमारा जो वही सेम वही रहेगा 1.55 वुमेन कंटिन्यूसली लगातार आ रहा है, और ये सेम वही पोजीशन नेट की रहेगी 0.3 मीटर अवे, सेम ऐसे ही आप ये देख सकते हैं इसमें भी। नेट भी हमारा यही रहेगा, अभी आपको हमने बताया था इस तरह से दस हेलमेट वही नाइलॉन का बनाना चाहिए, 6 से 8 सेंटीमीटर इसके जो मैश है वो होने चाहिए, नेट की जो ब्रीथ होती है जो चौड़ाई होती है इस तरह से जो इसमें दिख रहे हैं आप, ये जो यहाँ से आप जो मैं कर्सर के द्वारा आपको दिखा दे रहा हूँ इस तरह से रहती है, और नेट की जो नेट
नॉट बी शॉर्टर देन 6.1 मीटर, मतलब 6.1 से छोटा नहीं होना चाहिए उसकी लेंथ। टू साइड बैंड्स वो आपको बताया मैंने पहले भी, टू साइड बैंड्स हैं जो देखे हैं, सेम नेट हमारा वही रहेगा 1.52 जो अभी बताया आपको कंटिन्यूअसली। 101 ये जो रहेगी हमारी हाइट जो आपको मैंने बताया था वो आपको पूरा बताया था, राइट। सेपेक्टाक्रा बॉल आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, वही उसका सब कुछ रहेगा। प्लेयर्स इसमें जो रहेगा हमारा, ए मैच इज प्लेड बाय टू ग्रुप्स ऑफ रेफर्ड एज ए रेगू रेगूस ईच कंसिस्टिंग टू प्लेयर्स, यानी कि इसमें जो हमारा डबल रेगू रहेगा उसमें प्लेइंग के दौरान सिर्फ दो खिलाड़ी ही अलाउड है अंदर। वन ऑफ द टू प्लेयर सर्विंग शैल बी पोजिशन बिहाइंड द बेसलाइन ऑफ द कोर्ट, द सर्विस किक फॉर विच ही हैज एक्ट एज ए थ्रोअर फ्रॉम द पोजिशन अलोंग एंड बिहाइंड द बेसलाइन, ही इज कॉल्ड द टेकॉम द सर्वर। जो हमारा जो सर्वर जो रहेगा जो बेसलाइन के पीछे रहेगा वो टेकॉम कहलाया जाएगा उन दो प्लेयर्स में से, एंड द अदर नॉन सर्विंग प्लेयर आल्सो नोन एज ए अल्टरनेट टेकॉम। क्योंकि डबल्स के अंदर क्या है कि अल्टरनेट सर्विस है, यानी कि जो दो प्लेयर हैं एक सर्विस करने के बाद दूसरा खिलाड़ी दूसरी सर्विस करेगा, यानी कि एक सर्विस एक खिलाड़ी करेगा उसके बाद दूसरी सर्विस दूसरा खिलाड़ी करेगा, तो अल्टरनेट सर्विस सिस्टम रहेगा इसमें डबल में। इसमें डबल रेगू टीम इवेंट, ईच टीम रेफर्ड एज ए टीम शैल कंप्राइज थ्री रेगूज एंड शैल कंसिस्ट ऑफ ए मिनिमम ऑफ 6 प्लेयर एंड मैक्सिमम ऑफ 9 प्लेयर्स। डबल रेगू जो टीम इवेंट है हमारा, टीम इवेंट के अंदर मैक्सिमम 9 खिलाड़ी और मिनिमम 6 खिलाड़ी ही अलाउड हैं। ईच प्लेयर शैल बी रजिस्टर्ड इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन एनी कंपटीशन, हर खिलाड़ी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। मैक्सिमम ऑफ 3 प्लेयर्स शैल बी रजिस्टर्ड एज ए पार्ट ऑफ द टीम्स रिजर्व पूल, प्लेयर्स इन द रिजर्व पूल मे बी फाइल्ड एज ए सब्स्टिट्यूट। इसी में हमारा जो पहले बताया था, ईच प्लेयर शैल बी परमिटेड टू प्ले ऑन द ओनली वन रेगू इन एनी टीम मैच एंड प्रेयर ऑफ द स्टार्ट ऑफ द गेम ईच टीम मस्ट हैव ए मिनिमम ऑफ 6 रजिस्टर्ड प्लेयर प्रेजेंट इन द प्लेइंग कोर्ट, यानी कि टीम इवेंट में आपके अगर आपके 9 खिलाड़ी पूरे नहीं है तो मिनिमम आपके प्लेइंग जब भी आपका खेल शुरू होगा तो 6 खिलाड़ियों का होना बहुत जरूरी है। एनी टीम विद लेस देन 6 प्लेयर्स शैल नॉट बी परमिटेड टू प्ले द गेम एंड शैल बी डिस्क्वालीफाइड। सेम जैसे कि आपके 6 खिलाड़ी से कम रहते हैं तो आपका टीम को डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। डबल रेगू इवेंट, रेगू इवेंट, डबल रेगू इवेंट, ईच रेगू शैल कंसिस्ट ऑफ मिनिमम ऑफ 2 प्लेयर्स एंड मैक्सिमम ऑफ 3 प्लेयर्स, वन रेगू ऑफ 2 प्लेयर्स प्लस 1 रिजर्व, यानी कि 2 खिलाड़ी आपके प्लेइंग पोजीशन में रहेंगे, एक आपका रिजर्व रहेगा। ऑल टू हुम मस्ट बी रजिस्टर्ड प्रायर ऑफ द स्टार्ट गेम ईच रेगू हैव लॉस्ट 2 प्लेयर्स प्रेजेंट द प्लेइंग, यानी कि आपके कम से कम 2 खिलाड़ी प्रेजेंट रहने चाहिए, लेस देन 2 प्लेयर्स प्लेयर्स शैल नॉट बी परमिटेड टू द प्ले गेम द शैल द डिस्क्वालीफाइड। सेम ऐसे ही सेम आपके अगर 2 खिलाड़ी से कम रहते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया। प्लेयर्स अटायर्स सेम आपको मैंने बताया था, प्लेयर्स अटायर हमारा सेम रहेगा, वही जर्सी और जो आपका इसमें सेम है सेम ऐसे ही रहेगा, हम इसको हम कंटिन्यूसली आपको बता रहे हैं, ये हमारा कंटिन्यूसली रहेगा। सेम वही जर्सी नंबर आपको मैंने बताया था सेम ऐसे ही रहेगा बिल्कुल हमारा। सब्स्टिट्यूशन, प्लेयर आर नॉट अलाउड टू प्ले मोर देन 1 रेगू इन टीम इवेंट एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्लेयर शैल बी परमिटेड, टाइम टू शोइंग द सब्स्टिट्यूशन कार्ड, कार्ड को दिखा के आप अंदर करेंगे, रेगू इज टू सब्स्टिट्यूशन मे बी परमिटेड इन द ईच सेट, द प्लेयर हु हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड अर्लियर शैल बी अलाउड टू द री एंटर द सेम सेट द बोथ टीम एंड रेगू इवेंट कंपटीशन, फॉर रेगू इवेंट ईच रेगू मे नॉमिनेटेड 1 प्रिजर्व प्लेयर एंड प्लेयर रहेगा हमारा। सेम अभी जो आपको बताया था हमने वही सेम है आपका। द कॉइन टॉस जस्ट बिफोर द स्टार्ट मैच वो स्टार्ट हमारा रहेगा। पोजीशन ऑफ द प्लेयर एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले, प्लेयर्स ऑफ द बोथ रेगू
must be there in respective court in ready position. The server serving the ball must have both feet behind the baseline. Baseline के पीछे उसके पैर रहने चाहिए आपके. आप इसमें देख सकते हैं इस तरह से द सर्विस, ये आप देख रहे हैं baseline के पीछे है आपका. And the server will also be the thrower for the service without having the server feet touching the baseline. Both serving foot must have been behind the baseline. Baseline के पीछे ही आपका पैर रहना चाहिए. And even it's a follow through. अगर आपका follow through भी होता है तब भी आपका पैर जो है baseline के पीछे रहना चाहिए. नहीं कि आप service को आप मारते हैं या tackle service को मारता है तो उसका जो नॉन किकिंग फुट है वो भी बेसलाइन के बाहर ही रहना चाहिए, और जो किकिंग फुट है वो भी सर्विस करने के बाद जब लैंड करता है उसका पैर तो बेसलाइन के पीछे ही रहना चाहिए. ठीक है, तो इसमें हो गया आपका वो सेम आपका फिर वही है आपका. नेक्स्ट आते हैं हमारे फिर स्टार्ट ऑफ प्ले एंड सर्विस. ईच मैच मस्ट बी ऑफिशिएटेड बाय द रेफरीज का है आपका, पहले भी बताया था वो सेम रहेगा हमारा. द मोशन ऑफ द रोलिंग बॉल आपको बताया था इसमें जो आपका प्लेयर सर्विंग ये रेफरीज का हमारे यहाँ तक है आप देख सकते हैं. द रेगू विच सर्व फर्स्ट शेल सर्व थ्री कंसेक्यूटिव टाइम रहेगा फॉलोड द अपोनेंट रेगू शेल बी आल्सो कंसेक्यूटिव टाइम. ए प्लेयर ऑफ सर्विंग रेगू विल अल्टरनेट. इसमें जो प्लेयर जो रहेगा हमारा सर्विंग रेगू का रहेगा अल्टरनेट रहेगा, यानी कि एक टैकोंग अगर सर्विस कर देता है दो प्लेयर में से तो अल्टरनेट जो दूसरा प्लेयर है उसको वो सर्विस करेगा. इस टाइम में सर्विस पेड जब भी आप सर्विस होगी तो आपको आपका अल्टरनेट तरीके से होगा, पहले एक सर्विस फिर दूसरा प्लेयर सर्विस करेगा. द मोशन ऑफ रोलिंग बॉल आपको मैंने बताया था, मोशन रोलिंग बॉल काउंटेड एज वन काउंट व्हेन द बॉल टचेस एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, पहले भी बताया था आपको, ये भी इसी में सेम रहेगा. ड्यूस जो हमारा पॉइंट सिस्टम है ये भी अभी आपको बताया था हमारा, वो सेम रहेगा. And receiving time or all time ये हमारा ये रहेगा. Player shall change side before the start of the each set. During the third set, the team shall change side when one regu reaches point 11 point. वो 11 point पे अगर third regu आता तो रहेगा. Once the referee calls point name, the tackong of the serving team has 15 second का वही rule है हमारा. आप देख सकते हैं इसमें. ये आपको आ रहा होगा इसमें. और नेक्स्ट ये रहेगा हमारा रेपिटेशन कंसीडर फॉल्ट वेटिंग स्वेट, ये आपको मैंने अभी सब बताया था. अभी कंटिन्यूसली हम इसको लगातार आपको बता रहे हैं हम. और ड्यूरिंग द सर्विस एज सून एज टेकिंग द बॉल द प्लेयर शैल अलाउड मूव्ड फ्रीली, ये भी आपको बताया था आपको. ये हमारा कंटिन्यू आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं. फॉल्ट हमारे जो रहेंगे द टेक जो इवेंट फॉलोइंग द सर्विस ड्यूरिंग द सर्विस द टेकॉन सर्वर मेकिंग सर्विस थ्रो प्ले अबाउट विद द बॉल थ्रोइंग ऑफ द बॉल बंपिंग, जब भी प्लेयर कॉल करने के बाद रेफरी करता है प्लेयर अगर उसको बंप करता है या अपने खिलाड़ी को पास करता है वो भी फॉल काउंट किया जाएगा. द नॉन सर्विंग प्लेयर ऑफ सर्विंग दे गो मूव अवे फ्रॉम हिज अडॉप्टेड पोजिशन व्हेन द सर्व इज बीइंग मेड, जब भी सर्विस की जाएगी तो अगर दूसरा खिलाड़ी हिलता है या कहीं मूव करता है या हाथ को ऐसे ऐसे हिलाता है तो वो फॉल काउंट किया जाएगा. 15 मिनट्स का वही रूल अभी फिर आपको इसमें आ रहा है. अभी आप देख सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ सर्विस द टैकॉन नॉन किकिंग फुट इज लिफ्टेड ऑफ, पैर अगर उठता है वो भी फॉल होगा. किकिंग फुट कॉन्टेक्ट विद द बॉल और नॉन किकिंग फुट टचेस द बेसलाइन, बेसलाइन को टच करता है, आपको अभी बताया था मैंने. The tackong kicking foot touches the baseline during the execution of service. Any of the tackong foot enters the court or touch the baseline. अगर खिलाड़ी का जो non kicking foot service kicking foot service करने के बाद follow through में जाता है तो अगर वो baseline को touch करता है या baseline से अगर ground के अंदर चला जाता है वो foul count होगा. आप सभी कोच ध्यान रखेंगे अपने खिलाड़ी को बताएंगे कि जो आपका सर्विस जो एग्जीक्यूशन होगी वो सिर्फ बेस लाइन के पीछे से होगी, आप बेस लाइन के अंदर खिलाड़ी नहीं जा सकता सर्विस करने के बाद फॉलो थ्रू में. तो द टैकॉन्ग डज नॉट किक द बॉल ऑन द सर्विस थ्रो द बॉल टचेस ऑन प्लेयर बिफोर क्रॉसिंग द नेट, ये सब आपको सेम वही रहेगा जो अभी आपको पीछे भी बताया था हमने प्रीवियसली. एंड
ये देख सकते हैं आप, प्लेयर यूज द हैंड, आपके अगर हाथ यूज करता है आपको टच करता है, कि बंदा आर्म डज नॉट डायरेक्टली टच द बॉल, इसमें अपने कंटिन्यूसली सेम आपको रिपीट रिपीट हो रहा है और ये कंटिन्यूसली हमारा सर्विस एंड रिसीविंग साइड ड्यूरिंग सर्विस डेलिबरेटली क्रिएटिंग डायरेक्शन बाय शाउटिंग। ये शाउटिंग जब भी हम आपको सभी कोचेस को बार बार हम बता रहे हैं कि आपका जो डेलिबरेटली क्रिएट करते हैं जिसमें शाउटिंग करते हैं, चिल्लाते हैं या बद्दी तरह से इशारा करता है कोई, तो ये भी आपका फाउल में आता है। टचिंग द बॉल अपोनेंट साइड, ये वही सेम रूल है, अभी आपको प्रीवियसली भी दिखाया था हमने, क्रॉस ओवर आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, फॉलो थ्रू का हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ये आप सभी देख सकते हैं। और एक प्लेयर बॉल मोर देन 3 टन जहाँ टच नहीं कर सकते हैं उनको, ये सब आप देख सकते हैं, ये सेम वही रहेगा हमारा। एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, प्लेयर्स आउटफिट दैट इज शूज जर्सी हैंड, जो भी आपका जो अटायर है वो भी आपका एक हिस्सा रहेगा आपका, अगर रेफरी चेयर को या पोस्ट को या नेट को टच करता है वो भी फाउल काउंट किया जाता है। द बॉल टचेस द रूफ वॉल एंड एनी ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट द नेट। बॉल अगर हमारा एक बार जैसे हम बॉल को बता दें, क्लियर कर दें, जैसे कोई मैच चल रहा है और इंडोर हॉल के अंदर बॉल लिफ्ट कर लिया मैंने, जबकि वो पहला ही काउंट है, अगर वो बॉल दीवार पे लग जाता है तो वो फाउल होगा, आपको फ्री होना चाहिए हवा के अंदर बॉल, तभी आपका काउंट होगा, अदरवाइज वो फाउल होगा। अगर बॉल आपका नेट पे लगता नेट से दोबारा रिसीव कर सकते हैं, इसके अलावा कहीं भी अगर आपका बॉल लगता है वो फाउल काउंट होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं सभी, स्कोरिंग सिस्टम हमारा वो सेम रहेगा हमारा, आप इसमें देख सकते हैं जो 2020 और 21 पे 3 सेट का हमारा मैच रहता है, और 21 पे रहता है हमारा ड्यूस के बाद 2 पॉइंट डिफरेंस, अगर 2 पॉइंट डिफरेंस नहीं रहता है तो मैच हमारा अप टू 25 3 सेट का मैच रहेगा। ये हमारी एक डबल हमारी ये शीट है, स्कोर शीट, आप इसको अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। टाइम आउट जो हमारा रहेगा वही सेम है, सेम रूल्स एंड रेगुलेशन है टाइम आउट के, एक सेट में एक ही टाइम आउट अलाउड है, वो भी 1 मिनट का है हमारा, वो भी ओनली द टीम मैनेजर एंड कोच मे बी कॉल अप फॉर द टाइम ओनली व्हेन द बॉल इज नॉट प्ले, आप इसमें देख सकते हैं। और ओनली 2 पर्संस डिफरेंट आउटफिट फ्रॉम द प्लेइंग रेगु शैल बी अलाउड टू द बेसलाइन ड्यूरिंग द टाइम आउट। टेम्पररी सस्पेंशन आपको हमने पहले भी बताया था, टीम इवेंट और रेगु इवेंट, क्वाड इवेंट और क्वाड टीम इवेंट, अभी हमारा जो डबल इवेंट और डबल रेगु इवेंट, इसमें ये सेम हमारा ही रहेगा। ये पूरा डिसिप्लिनरी एक्शन जो अभी आपने मैंने दिखाया था आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं कंटिन्यूसली, आपको इसमें आप सेम हमारा वही रहेगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ regulation, international soccer club federation and asian soccer club federation. Penalties and a cautionary offense, sending off offense, ye hamara same rahega. Yellow card, first yellow card, second yellow card, ye hum aapko continuously aapko bata rahe hain, aap apni screen pe dekh pa rahe hain isko, aap dekh sakte hain red card सेंडिंग ऑफ, आप इसमें इसको हम कंटिन्यूसली आपको बता रहे हैं, आपको आप देख सकते हैं इसमें मिसकंडक्ट ऑफ द टीम ऑफिशियल्स, पहले भी बताया था कि टीम ऑफिशियल्स डिसिप्लिनरी एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट द टीम ऑफिशियल्स एंड और मेंबर ऑफ हिज टीम फॉर एनी एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट कमिटेड ड्यूरिंग ए टूर्नामेंट वेदर इनसाइड और आउटसाइड द कोच। आप कहीं भी अगर टीम ऑफिशियल्स हैं, कोई भी अगर इनडिसिप्लिन यह होता है तो डिसिप्लिनरी एक्शन टीम ऑफिशियल्स के अगेंस्ट भी लिया जा सकता है, ये इसमें आपको सभी आप पढ़ सकते हैं, इसमें ये नियम कंटिन्यूसली बता रहे हैं। और यहाँ पर हमारा भी आज का सेशन समाप्त होगा, थैंक यू वेरी मच एंड बी सेफ, अपने घर में सेफ रहें, कोरोना वाइज COVID-19 चल रहा है हमारा, घर से बाहर ना निकले और अपने आप को सुरक्षित रहें और सेफ रहें, थैंक यू।